दोस्तों, वैसे तो व्लॉगिंग यार कम करते हैं, बट आज दोस्त ले रहा है अपना कंप्यूटर, तो यहाँ पे हम लोग तैयार है नेहरू प्लेस जाने के लिए। यहाँ पे मेरे सामने यार इस समय राइट नाउ फोन भी उसकी रिंग करे जा रही है, मैं अभी वाइब्रेशन पे डाल देता हूँ क्योंकि अभी हमें यार थोड़ी सी बातचीत आपके साथ करनी है। बिल्कुल भाई, नेहरू प्लेस जा रहे हैं, पीसी वीसी लेंगे। देखो अपने पास वैसे तो पीसी का पूरा सिस्टम है, मैंने यहाँ पे उसके लिए ये कैबिनेट भी है अपने पास पड़ा हुआ था और साथ में पावर सप्लाई ये भी हमने फुल यहाँ पे अरेंज कर दिया, तो इसकी कोई दिक्कत रहने नहीं वाली है। मेन हमारे जो बाकी पार्ट्स है लाइक प्रोसेसर वो मेन हम लोग अड्डे वहां पे जाने वाले हैं, तो सीधे चलता हूँ अभी मेट्रो, वहां सब लोग मिलेंगे। गैंग टाइप के लौंडे एकदम देसी टाइप के, देखते हैं क्या करते हैं। तो फाइनली अपने दो यार यहाँ पे मिल चुके हैं, आशीष बॉय जो कंप्यूटर लेने बेसिकली जा रहे हैं, मेट्रो पे मिल चुके हैं, और इधर गुफरान भाई साहब भी। अरे कहाँ छुपने की प्लानिंग है इसकी, आज व्लॉगिंग कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, हालत देख सकते हो खराब हो रखी है क्या, भूल जा रहे हैं कंप्यूटर बनवा रहे हैं, कंप्यूटर बादशाह तो ये। ठीक है, अभी एक और बंदे का इंतजार करना है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ हम लोग मेट्रो में है, गुफरान भाई साहब, आशीष भाई साहब, मैं थोड़ा विशाल को स्किप कर दिया क्योंकि वो लेट था, विशाल हमेशा लेट रहता है, तो हमने उसको स्किप करके, हमारा मेन करेक्टर है तो एंड में आएगा, एंड में आएगा बिल्कुल, अभी हमने उसको टाइम नहीं दिया क्योंकि लेट तो हर बार होता ही है। बाकी अभी हम लोग सीधे बाई डायरेक्शनल मूव कर रहे हैं और यहाँ पे हम मेजेंटा लाइन की तरफ जा रहे हैं, और ये सबसे लंबी चौड़ी एक्सेलरेटर है। अभी मेट्रो पे है, वो मेट्रो पे कुछ जरूरी काम निपटा रहा है, उसका कुछ जरूरी काम हमेशा मेट्रो पे रहता ही है। गैस स्टेशन इन द कॉमन, बाइक एजेंसी मेट्रो में लगी है। यहाँ पे भी हम लोग दशरथपुरी, और अभी तक हम लोग तीन है, आधा एक घंटा हो चुका है और अभी तक विशाल का कुछ अता पता नहीं है, आगे मेरे को कॉल कर, बातचीत चल रही है, लेट लतीफ लोगों के हमारे साथ है थोड़ा, बाकी हम लोग वेट कर रहे हैं अगले मेट्रो में, उम्मीद है वो आ जाएगा, उसके बाद हम लोग सीधे पहुंचेंगे। कहाँ पे छोटे बोल बोल, जुकाम है लग रहा है मुझे अंदर से, जुकाम नहीं है भाई, बोलना क्या है तो बताया उसको पता नहीं है। मतलब नेहरू प्लेस जाते हैं, नेहरू प्लेस कॉस्ट टू कॉस्ट पे जाएंगे। अच्छा कॉस्ट भी पसंद है, मेरी दुकान है तो इसी है। ठीक है ठीक, चलिए हमारे साथ विशाल भी आ चुके हैं और हम लोग नेहरू इनक्लेव पहुंच भी चुके हैं। आशीष एक्साइटेड है, परेशान है, बिल कितने का बनेगा, और कोई दिक्कत नहीं, गुफरान साथ है तो क्या ही दिक्कत है। पेटी लाया क्या भाई आज, लग रहा है जेब में भर के पूरी पेटी वेटी ले आया। और अभी हम बीच में पॉज बटन ढूंढ लिया लेकिन था ही नहीं, और अभी हम राइट नाउ एग्जिट ले रहे हैं, एग्जिट ले रहे हैं विशाल के साथ भी और गुफरान के साथ भी, दोनों के साथ ही लेंगे, साथ में आया तो विशाल रास्ता बहुत लंबा है दोस्तों, क्या बताएं, घर से आने में टाइम बड़ा लग जाता है, उत्पाती लोग और है हमारे साथ। मेट्रो में भाई का काम होता है ये अलग है, इसके अलग इंसेंटिव भी मिलता है। हम नेहरू प्लेस में एंट्री करके आशीष काफी एक्साइटेड हो गया नया पीसी के लिए, और पीछे देख सकते हैं रिलैक्सिंग मॉल है, लौंडे अपने साथ, ओहो यार फैन बेस बहुत बड़ा है, अभी हम वीडियोस भी बनाने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, सीढ़ियों से चढ़ते हैं और मिलते हैं सीधे एंट्री करते हैं यार। तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए, भाई साहब हमारे साथ यहाँ पे बिल कितने वाला है, पहला बिल लेने वाले, देखते हैं क्या पार्ट्स लेते हैं। भैया ने बोल दिया वीडियो बनाना, वीडियो बनाना मना है, पर चलो कोई नहीं, बाहर डेयर भी बना, चलो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट से पहला बिल लिया है, और आप राइट नो प्राइस देख सकते हो, घर जाके दिखा देंगे बाकी और अच्छे से। एक और भाई साहब मिले हैं और बोल रहे हैं बेस्ट मिलेगा, इससे बेस्ट मिला दोगे तो बताओ, इससे लाख गुना बेस्ट मिल जाएगा, चलो लेट्स सी, एक बार फिर से देखते हैं, देखना भाई 21 में चाहिए, 25 में कॉस्ट टू कॉस्ट मिल रहा है, लेट्स सी, बनाते भाई देखते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं भैया पे टाइम आ चुका है, हम भी तैयार है भाई, देखते हैं अगर हो जाए तो अभी ले लेंगे, 12400 है, मुझे लग रहा है मुश्किल ही हो पाएगा, 6-4-12 कॉस्ट टू कॉस्ट में अपने को 2500 मिला था, उसका आईटी हमें थोड़ा कम 1000, और यहाँ देखते हैं फाइनल हो जाए ना। आईटी हमें 23, कौन कौन सा तेरे पार्ट्स थे, i5 12th अपना एक मदरबोर्ड है, कौन सा ले लेना, h60 23,000 के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं, और देखते हैं कितना कम होता है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट के बाद सीधे 3,000 रुपए कम हो चुके हैं, ये फायदा होता है यहाँ नेहरू प्लेस का, बाकी देखते हैं और कुछ हो पाता है कि नहीं। ठीक है, लेट्स सी, फाइनल हमने यहाँ पीसी ले चुके हैं, क्या बोलोगे, सही प्राइस मिल गई अपने को, 23 में डन कराया हमने, बहुत लूट पोट हुए, 2-3 हजार कम कर पाए, 800 टू बी प्रेसाइज, अब बाकी जगह जो प्राइस मिल रही थी भाई वहाँ पे एक्सपीजी ये सब की रैम वैम नहीं थी, तो फाइनल जो आउटकम मिला है वो थोड़ा तोड़ है, देखते हैं यार पार्ट्स आने दो, फिर बातचीत करते हैं। डन हो चुका है सर, अब यहाँ पे देखो यार सिस्टम थोड़ा अलग हो गया, 23,800 था, 24,200 हो गया, क्योंकि जीएसटी बिल चाहिए, 24,200 थोड़ी सी चेकिंग भी करा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जरूरी है, रियल टाइम टेस्टिंग हो जाएगी,
भाई घर पे जाके तो पूरा काम सेसर लगा हुआ ही छोड़ देंगे। हाँ इसमें कुछ फॉल्ट हुआ ना ये गुफरान पैसे नहीं भरेगा, पैसे में भर चुका तो तेरा तो है। इसी हम ले चुके हैं हेयर आशीष बॉय विद द पार्ट्स। पॉलीथीन नहीं मिली, पॉलीथीन नहीं मिली क्योंकि बैन है, पीछे अपने लौंडे आ रहे हैं वो कुछ चीजें चेकिंग कर रहे हैं। पेपर वाले का रखते नहीं ये लोग, पेपर वाले का काम नहीं था। बाकी बाट सब ले चुके हैं, कैबिनेट आशीष ने ले लिया और साथ में पीएसयू क्योंकि ये सब अवेलेबल है हमारे पास घर पे। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे पार्ट्स वार्ट्स ले चुके हैं और अब हम थोड़ा खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे शायद से और फिर घर जाएंगे और पीसी बिल्ड करते हैं वो देखते हैं। यस हियर यू कैन सी सम डोसा पार्टी इज गोइंग ऑन, एक नंबर डोसा एंजॉयमेंट चल रहा है। डोसा अच्छा है क्या? ठीक है तो आप भी यहाँ से आगे डोसा खा सकते हो। कहाँ पे हम लोग? हम हैं यहाँ पे नेहरू प्लेस, नेहरू से जस्ट मेरे के बाहर। बढ़िया है यार, मजा आया था। ठीक है यहाँ पे आलू वालू का कंडीशन बड़ा अच्छा लगा, ये चेकआउट करने लायक है, खाने लायक है। मिलते हैं बाहर। तो अब हम वापस से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्लॉग हमारा जो है बीच में बहुत कट कट के बन रहा है, इसकी वजह ये है कि हमारा जो भाई है वो फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रहा है। फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले कर चुका हूँ, घर चूज हो गया। और अब हम सीधे मेट्रो से घर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पीसी बिल्ड करेंगे जिसके लिए वीडियो बनानी है। ठीक है बहुत गंदा करेंगे। घर पहुंच चुके हैं लोंडे अपने साथ है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधे पीसी बनाने और फिर रुकते हैं। अगर पीसी बन जाता है आज की डेट बन ही जाएगा वैसे तो मोस्टली चांस है। उसके बाद हम लोग यार घर पे आ चुके हैं क्योंकि यार देखो वहाँ पे इतना टाइम लग गया पीसी बिल्ड कंप्लीट होने में, एट द एंड हमने बिल्ड कर दिया। अच्छा वीडियो अगर देखना चाहते हो क्या पार्ट्स यूज हुए क्या परफॉर्मेंस है तो आई बटन पे मेन चैनल पे आप देख सकते हो। एक चीज और बोलूंगा भाई, नेहरू प्लेस जा रहे हो तो माइंड में जो पार्ट्स रख के जाओगे ना वही लेना। अब हमारे यार जो कुछ दुकान वाले कम नहीं कर रहे थे प्राइस, वो बेसिकली क्या कर रहे थे, रुको मैं आपको दिखाता हूँ यार। यहाँ देखो यार मेरे पास यार कुछ रैम वैम पड़ी है, देख रहे हो ये रैम है जो है भाई 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे चलती है। अब ये रैम को यार वो लोग क्या करते हैं इसको हटा देते हैं, 8GB आपको बोलेंगे बट यार ये हटा के इसकी जगह पे एक यार अनब्रांडेड या फिर आप बोल सकते हो ब्रांड भी, और ये देखो हीट सिंक भी हट गई, ऐसी रैम लगा देते हैं एट द एंड। तो इससे क्या होता है प्राइस और उनके पैसे बच जाते हैं और इस तरीके से प्राइस कम होता है। तो मैं एट द एंड यही बोलूंगा, SSD में भी वही कर रहे थे, अनब्रांडेड पे जा रहे थे मतलब कोई नकली ब्रांड वो सब हो जाता है ना, तो यही है। तो अपने मन से डिसाइड करके जाना और वही चीज लेना पार्टिकुलरली। प्राइस का देखो यार ज्यादा से ज्यादा आपको 2-3 हज़ार का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया यार, मेरे को लगता है 1500-600 ऐसा ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से भाई जो ऑथराइज और आपको जो बढ़िया लग रही है दुकान वहीं से सामान लेना तो बेस्ट रहेगा। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कैसा लगा व्लॉग और बनाया जाए बताना कमेंट में। बाकी चलो फन फन।